हेलो गाइस, अपने इस वीडियो में जानेंगे पेड़ों के दर्द के बारे में। ये लोगों में क्यों होने लगता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स होते हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है, तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। पेड़ों में दर्द होना ये किसी को भी हो सकता है, महिलाओं में होता है, पुरुषों में होता है, लेकिन ये ज़्यादातर समस्या महिलाओं में देखी जाती है। पेड़ों में दर्द होना कोई एक कारण नहीं होता है, इसके कई कारण हो सकते हैं दोस्तों। जो हमारा पेड़ू होता है वहाँ पर कई सारे अंग मौजूद होते हैं, जैसे कि मूत्राशय होता है यानी कि यूरिनरी ब्लैडर होता है, पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, महिलाओं में यूट्रस होता है, उसमें अंडाशय होता है। इसके अलावा इन्फेक्शन की वजह से भी लोगों में पेड़ों में दर्द होने लगता है। PID एक ऐसी बीमारी है यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। ये एक यौन संक्रमण होता है। जब ये प्रॉब्लम किसी को हो जाती है तब भी पेड़ों में दर्द होने लगता है। इसके अलावा अगर किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, यूरिन से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, तब भी लोगों में पेड़ों पे दर्द होने लगता है। या फिर अगर किसी को इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर अपेंडिक्स में किसी तरह की प्रॉब्लम आ गई है, आंतों से संबंधित कोई इन्फेक्शन है, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। जब किसी महिला को पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के दौरान भी पेड़ों पे दर्द होने लगता है। ये अपने आप दर्द स्टार्ट होता है और अपने आप बंद हो जाता है। अगर ये दर्द लंबे समय तक रहता है या फिर बार बार होता है तब आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हर 3 में से 1 महिला को पेड़ों के दर्द की समस्या रहती है। महिलाओं में इसको सूजन की बीमारी, गर्भाशय में सूजन, बच्चेदानी या फिर नलों की सूजन बोला जाता है। पेड़ों यानी कि पेट का जो निचला हिस्सा होता है उसमें सूजन आ जाती है, यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो जाता है या फिर अंडाशय की सूजन हो जाती है, जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उसमें सूजन आ जाती है। इसके साथ ही जो सर्विक्स होता है उसमें भी स्वेलिंग आ जाती है। इन्फेक्शन की वजह से होता है तो इस वजह से भी पेड़ों में दर्द होने लगता है। पुरुषों में जब प्रोस्टेटाइटिस हो जाता है यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसमें सूजन आ जाती है या फिर उसका साइज बढ़ जाता है। तो जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं। पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, जो जांघें होती हैं और जो कमर के बीच का हिस्सा होता है उसमें दर्द होता है, पेट में ऐठन जैसी महसूस होती है। महिलाओं में वजाइनल डिस्चार्ज होता है, ये डिस्चार्ज व्हाइटिज या फिर येलोइस हो सकता है और इसके साथ ही बैड स्मेल आती है। महिलाओं में यह दर्द मेनली इंटरकोर्स के दौरान होता है या फिर पीरियड्स के दौरान होता है। इन्फेक्शन हो जाने की वजह से पेशेंट को फीवर भी आने लगता है, इसके साथ ही भूख नहीं लगती है, चक्कर आते हैं, काफ़ी वीकनेस होती है, पेशाब करते समय पेशाब में दर्द होना, जलन होना, पेशाब रुक रुक कर होना या फिर नोजिया एंड वोमिटिंग यानी कि मितली लगती है और उल्टियां होती हैं। तो कुछ इसके सिम्टम्स होते हैं जिन्हें देखकर आप पहचान सकते हैं कि किसी को पेड़ों में दर्द या फिर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है। जो लोग अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं यानी कि असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोगों को में समस्या ज़्यादा होती है, आपको सुरक्षित यौन संबंध बनाने चाहिए। जिनके मल्टीपल पार्टनर होते हैं यानी कि एक से ज़्यादा लोगों से संबंध बनाते हैं तो ऐसे लोगों को भी सावधानी रखनी चाहिए, प्रोटेक्शन का यूज़ करना चाहिए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं, जैसे कि यूरिन का टेस्ट करा सकते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, इसके साथ ही लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड कराते हैं या फिर एक्सरे भी कराया जाता है, जिससे कि पता चलता है कि पेशेंट को किस तरह की प्रॉब्लम हुई है। और इसके साथ ही महिलाओं में हार्मोनल टेस्ट भी कराया जाता है। अगर इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या फिर PID है, तो ऐसे पेशेंट्स को एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, एंटीबायोटिक्स से ठीक किया जाता है। इसमें जो कॉमनली एंटीबायोटिक्स यूज़ की जाती हैं उसमें मेट्रोनिडाजोल, डॉक्सीसाइक्लिन और साथ में फ्लूकोनाजोल की टैबलेट भी दी जाती हैं। और इसके साथ ही PPI दी जाती हैं, जैसे कि पेंटॉप, रबेप्राजोल, ये जरूर साथ में देने चाहिए। अगर गैस की प्रॉब्लम है, गैस की वजह से दर्द हो रहा है, अगर फीवर आ रहा है, फीवर को कम करने के लिए पैरासीटामोल लेनी चाहिए। अगर दर्द हो रहा है तो नोबल स्पास टैबलेट लेनी चाहिए, इसको दिन में 3 बार या फिर ज़रूरत पड़ने पर भी ले सकते हैं। इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, हाइड्रेट रहना चाहिए और हाइजीन मेंटेन रखनी चाहिए। तला भुना मिर्च मसाले वाली चीज़ों का परहेज करें, बाहर की चीज़ें, जंक फूड, फास्ट फूड खाना बंद कर दें। जब किसी महिला को PID हो जाता है तो उसको काफ़ी वीकनेस लगती है, उसको विटामिन्स की ज़रूरत होती, प्रोटीन की ज़रूरत होती है। कभी कभी महिलाओं में खून की भी कमी हो जाती है तो आयरन के सप्लीमेंट देने चाहिए, टैबलेट आती हैं, सिरप दे दीजिए, कैल्शियम की टैबलेट दीजिए, मल्टी विटामिन के सप्लीमेंट पेशेंट को जरूर दीजिए। इतना ट्रीटमेंट देने के बाद पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है, अगर फिर भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो पेशेंट को हायर सेंटर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिफर कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आया होगा लोगों में पेड़ों में दर्द क्यों होने लगता है, PID क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, इसको किस तरह से ठीक किया जाता है। अगर आप इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं,
कमेंट करके बता सकते हैं, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि सर इन्फॉर्मेटिव डोज आपको हमेशा मिलते रहें।